हाय फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई होप आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ एकदम अच्छी होगी और स्वस्थ होगी। सो आपका स्वागत है मनाली पार्ट टू में। सो पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि मैं 15 घंटे गाड़ी चला के फाइनली अपने दोस्तों के साथ मनाली पहुंच गया था। सो जिसके लिए हम मनाली गए थे वो हमें वहाँ पर मिल गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ स्नोफॉल नहीं हो रही थी। सो वेदर का प्रेडिक्शन जो बता रहा था कि वहाँ पे 102 दिन के बाद स्नोफॉल हो जाएगी, तो हम निकल गए होटल ढूंढने के लिए। देखते हैं आगे का पार्ट। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली गाइस, हमने यहाँ पे रूम बुक कर लिया। भाई इतना ऑसम रूम है ना भाई, और भाई अच्छे रेट में मिला, मतलब डिसेंट प्राइस में मिला। और जो व्यू है ना, आई कांट एक्सप्रेस क्या व्यू है। देखो भाई, एक सामने से जो व्यू आ रहा है देख लो भाई, एक फ्रंट व्यू, ओ माय गॉड, और एक यहां से और एक यहां का, तो भाई ऑसम व्यू है। और ये दोनों भाई अपने कैसे लगा भाई यहाँ आके? भाई बहुत मजा आ रहा है भाई, एकदम मस्त। पहली बार आया ना तू पहाड़ों पे? हाँ भाई, बर्फ भी पहली बार देखी है। पहली बार देखी है भाई। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है भाई बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है सही में भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो गाइस, मैं यहाँ पे क्या है, बहुत तेज भूख लग रही है, तो तब तक क्या है, जो गीजर में पानी गर्म हो रहा है, मैं तब तक के लिए मैगी बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, कितना ऑसम व्यू है। और यहाँ पे दो मिनट में मैगी, यहाँ की लोकल है, मतलब मैगी तो नहीं है लेकिन लोकल वाली है, लोकल वाली है। भाई ने यहाँ पे परमिशन दे दिया कि खाना आप बना सकते हो। मैंने कहा हम अपना सामान लाए हैं, हम अपना खाना बना लेंगे। चिकन ले लिया था और हमने बाकी सारा सामान ले लिया, चावल, और रात को चावल बनाएंगे, चावल चिकन उसके साथ फुल मज़े। हाँ बोला तो सेम ही है। भाई लग रहा है कि यार शायद स्नोफॉल हो जाए कल, बहुत देखते हैं, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आई होप कि हो जाए, मैं विश कर हो जाए बस, क्योंकि स्नोफॉल कभी देखी नहीं है मैंने। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चार मैगी डाल दिए। हाँ अगर जल्दी हो गया तो हम घर जल्दी चले जाएंगे, हो जाए बस हो जाए, नहीं तो मेरे को रुकना पड़ेगा। क्या है? हाँ हाँ पता है। 2000 years later. तो भाई फाइनली हमारी मैगी रेडी हो गई है। हमने इसमें थोड़ा अलग से मसाला डाला है, जो बहुत ही एकदम यूनिक सा फ्लेवर आ रहा है इसमें, और सीरियसली बहुत अलग सा, थोड़ा पहाड़ी यहाँ के मसाले थे ना वो डाले यहाँ पे, तो बहुत अलग सा टेस्ट है, अच्छा है। और नज़ारा आप देख सकते हो यार, कितना अच्छा नज़ारा देख सकते हो भाई, कितना प्यारा नज़ारा है। Oh my God! Wow! सो गाइज, मैं रेडी हो चुका हूँ और जा रहे थोड़ा बर्फ में देखने के लिए, फोटो वोटो खिंचवाएंगे, देखते हैं कि कैसी फोटोज आती है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करने ला, मैं यहाँ पे आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और इसके बाद
चलो कल ही दिखाएं भाई, बहुत ठंड है सीरियसली। कम से कम इतनी स्नोफॉल गिरी हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल गिरी हुई है, और जो मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा ऑसम फीलिंग आ रही है भाई। और हल्की हल्की सी स्नोफॉल सी गिर रही है, थोड़ी थोड़ी सी, देखते हैं कि आज स्नोफॉल गिरती है नहीं गिरती। आई होप प्लीज़ गिर जाए। कौन है? A few moments later. सो भाई शाम का वक्त हो चुका है और भूख बहुत तेज लग रही है, तो हमारा तो प्लान यही था कि हम जो है खुद बना कर खाएं, क्योंकि चूल्हा लगाए थे, जो पोर्टेबल गैस चूल्हा होता है वो लाए थे, गैस कैन होती है और पोर्टेबल छोटा सा चूल्हा होता है ये वाला, ये देखो बहुत अच्छा चूल्हा है, देखो बर्तन भी हमने खरीद लिए थे। भाई ने सारा सामान कट वट करके सब कुछ रख लिया, रेडी कर लिया है, और चिकन आपको दिखाऊंगा अभी, वो धोने लेके गया है चिकन, और उसके बाद बनाते हैं चिकन और चावल मस्त तरीके से। भाई चिकन बना रहे, वाह लड़को, वेरी गुड वेरी गुड। सब डाल दे पानी में, डालिए सब। मैं कपड़ा दे दुनिया में ट्राई करो। क्या बोला तूने? दुनिया में ट्राई करो। So guys, finally, हमारा चिकन बनके तैयार हो चुका है और नावेद भाई ने पूरा चिकन बनाया है, बहुत टेस्टी लग रहा है भाई, देखने को बहुत हुआ है, तो दिखेगा नहीं, बहुत टेस्टी लग रहा है सीरियसली। देखते हैं इसे खाने में कैसे लगता है, मस्त तरीके से खाएंगे एकदम। सो भाई बड़ी मुश्किलों के साथ, बहुत मुशक्कतों के साथ हमने चिकन बनाया है, तो भाई इसको आप ट्राई करते हैं, देखना तो भाई बहुत टेस्टी लग रहा है। सो बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट करते हैं। भाई बहुत टेस्टी है सीरियसली, बहुत टेस्टी, इतना बहुत मतलब लजीज लजीज, बट जूसी है, बहुत जूसी है सीरियसली, बहुत टेस्टी है। इंग्लिश में बोले तो एकदम चका। सो भाई हमारा डिनर हो गया है, बहुत थक गए हैं। सो भाई डिनर हो गया है, थक गए हैं भाई, सच में बता रहा हूँ, हालत खराब हो गई। अब भाई नींद लेंगे, उठेंगे 10-11 बजे आराम से उठेंगे, अपन चलेंगे कल शायद सुलांग वैली जाएंगे, सुलांग वैली इसके बाद अटल टनल जाएंगे, उसके बाद उसके आगे जाएंगे, देखते हैं कि कल क्या मजा आने वाला है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगी आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे, प्लीज सर, आई वांट टू रीच 1 million लाइक्स, सो प्लीज सर पकड़ा है, ओके थैंक यू।